ई लर्निंग विद दुर्गेश में सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड। यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, इसीलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वयं जुड़िए और वीडियो को सभी साथियों तक तो शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विकास की किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? ए प्रारंभिक बाल्यावस्था को, बी कह रहे हैं उत्तर बाल्यावस्था को, सी कह रहे हैं प्रारंभिक किशोरावस्था को, डी कह रहे हैं उत्तर किशोरावस्था को। कहने का मतलब फ्रेंड सीधे से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो वह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। चार विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट सही आंसर को कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से सभी साथी फटाफट लाइव आ जाइए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करें। बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी। प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए आप सभी लोग, जी हाँ, विकल्प नंबर सी कमेंट कर रहे हैं सभी साथी। सभी के जवाब फ्रेंड 100% सही हैं। जितने भी लोग अब तक जुड़े हैं सभी के जवाब 100% सही हैं। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर, प्रारंभिक किशोरावस्था जो 9 से 12 वर्ष की होती है, जिसकी आयु सीमा, इस अवस्था में वीर पूजा की भावना का जो है विकास बच्चों में हो जाता है। फ्रेंड वीर पूजा की भावना का तात्पर्य होता है कि किसी महापुरुषों की जीवनी का अंकन करना, इसी को वीर पूजा कहा जाता है। जैसे कोई भगत सिंह की राह पर चलता है तो कोई महात्मा गांधी की राह पर, कोई विवेकानंद को फॉलो करता है तो कोई अब्दुल कलाम को फॉलो करता है, यह गुण फ्रेंड वीर पूजा की भावना कहा जाता है। विकल्प नंबर सी इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रयत्न एवं भूल, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या सूचना प्रक्रियाकरण। जल्दी से बताइए किसे, कौन से अधिगम को नैमित्तिक अनुबंध कहा जाता है, फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। कहने का मतलब फ्रेंड ये सिद्धांत के अलग अलग नामों से रिलेटेड है। चलिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी का क्लास में मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएँ केवल वीडियो को शेयर करना आपको, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि सीडीपी प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यदि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर सीडीपी में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से आपको सीडीपी की एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जहाँ से आपको निश्चित तौर पर मदद मिलने वाली है। चलिए बढ़िया, विकल्प बहुत बढ़िया आ रहा है, विकल्प नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। सक्रिय अनुबंधन इज द राइट आंसर, आरएस थियरी। जी हाँ, आरएस थियरी जिसको कहते हैं रिस्पांस एंड स्टिमुलस थियरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक के तौर पर वीएफ स्किनर, जी हाँ वीएफ स्किनर का नाम प्रसिद्ध है, जो यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं और जिन्होंने 1938 में चूहे पर तथा 1943 में कबूतर पर दो प्रयोग उन्होंने क्रमशः कर आरएस थियरी को प्रतिपादित किया था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति कहलाती है, अविक्षमता, अविवृत्ति, अप्रेरणा या अभिरुचि। फटाक से बताएं फ्रेंड, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को प्रारंभ रखने के लिए तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है उसे क्या कहते हैं? अभी क्षमता कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। आंतरिक मनोदशा की बात हो रही है, आंसर आप सभी के 100% सही होने चाहिए। आंतरिक मनोदशा की बात हो रही है, आप सभी साथियों के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए कि आंतरिक मनोदशा की जो व्यवहार प्रारंभ होता है फ्रेंड, उसका तात्पर्य होता है मोटिवेशन से। मोटिवेशन ही दो प्रकार का होता है, आपका बाह्य मोटिवेशन, बाह्य अप्रेरणा और आंतरिक अप्रेरणा। आंतरिक अप्रेरणा मतलब जब व्यक्ति अंदर से उत्साहित होता है, अंदर से प्रोत्साहित होता है उसे आंतरिक अप्रेरणा, और जब व्यक्ति बाह्य उद्दीपक के द्वारा प्रोत्साहित होता है तो उसे बाह्य प्रेरणा की संज्ञा देते हैं। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों ने क्रमशः विकल्प नंबर सी को कमेंट किया है, उन सभी के जवाब 100% सही है। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे अगले भी क्वेश्चन के लिए, सभी साथी बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कौन सा युग्म जो है सही है? कर्ट लेविन,
मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक संयोजनवाद, मैस्लो अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत, स्किनर शास्त्रीय अनुबंधित सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। मानवतावादी सिद्धांत यह गलत है, इसके अब्राहम मैस्लो हैं। अधिगम संबंधित क्षेत्र का सिद्धांत ये कर्ट लेविन है, मतलब ये यहाँ और ये यहाँ हो गए हैं, जी हाँ ये यहाँ और ये यहाँ हो गए हैं। बचा है आपके सामने डी स्किनर का शास्त्रीय अनुबंधन नहीं है, यह पावलाव का, यह भी गलत है। आप समझ चुके हैं इसका सही जवाब क्या है, संयोजनवाद, संबंधवाद, एसआर, ये सारे जो सिद्धांत है फ्रेंड इन्हीं के उपनाम हैं प्रयत्न और भूल के सिद्धांत थॉर्नडाइक का। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है, बी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। जी हाँ थॉर्नडाइक का संयोजनवाद विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% करेक्ट हैं। आगे बढ़िए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्मित शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ज्ञान निर्माण में सरलीकरण करना या छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। या फ्रेंड ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, निर्मित शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की भूमिका का वहन करता है शिक्षक। फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में और अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी साथी कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या है। चलिए ए ए ए कुछ लोग ए कमेंट आ गया है, एक और भी सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देख कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, छात्रों में अनुशासन। देखिए बोले बात हो रही निर्मितवादी, यहाँ पर बात हो रही है निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया में। तो जब निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया की बात होती है फ्रेंड, तो शिक्षक का जो कर्तव्य होता है फ्रेंड होता है ज्ञान निर्माण को सरलीकरण, मतलब किस प्रकार से अत्यंत सरलता के माध्यम से बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है, यही निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की भूमिका होती है। इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने से लिप्त होती है वो कहलाती है सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समस्या समाधान। फटाक से आंसर कमेंट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। जहाँ पर नवीन मौलिक की बात हो वहाँ पर आँख मून कर आप सृजनात्मकता को चुन लीजिएगा, जवाब आपका 100% सही होगा। क्रिएटिविटी इज द राइट आंसर। जहाँ पर जिस चिंतन प्रक्रिया में नवीन व मौलिक था उपयोगी विचार को उत्पन्न होने की बात कही जाए वहाँ पर आपका सृजनात्मकता होगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला, निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में सर्वथा उपयुक्त है व्याख्यान प्रदर्शन, परिचर्चा, भूमिका निर्वहन या परीक्षा अधिगम। बताएं फ्रेंड निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों में किसका विकास सर्वथा उपयुक्त है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सभी साथी अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। चलिए विकल्प नंबर 3 कमेंट आया है सत्येंद्र कुमार जी का, और भी सभी साथी कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही जवाब क्या है इसका, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करिए भाई, आप सभी लोग के आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं, क्या स्पीड संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताएं कि नेटवर्क वगैरह सब सही है कि नहीं, क्योंकि कमेंट आपके बहुत स्लोली आ रहे हैं। चलिए बी 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 सी, अरे भाई जब बात उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल की होती है तो उस प्रकार में जो अधिगम की प्राप्ति होती है उसका नाम है परीक्षा अधिगम। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर, उसे हम परीक्षा अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको नए मिले जिसके आंसर देने में आपको समस्या हो रही है उस प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में सीधे तौर से पूछे जा सकते हैं।
तो विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, संवेगों को जागृत करना। जी हाँ फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फटाफट जल्दी जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर टाइप करिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? चलिए विकल्प नंबर डी बी, जल्दी जल्दी आ जाइए। संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, फटाफट बताना है आपको। संवेगों को जानना भी ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटक है, संवेगों का प्रबंधन यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटक है, अन्य लोगों को संवेगों के द्वारा पहचाना यह भी, संवेगों को जागृत करना फ्रेंड, संवेगों को जागृत करना यह संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, इसीलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर, संवेगों को जानना जागृत करना यह संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। अगला, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संबंधित परिस्थितियों से संतुलन बनाए रखता है। दी गई परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की है? जर्थिल्ड की है, गेट्स की है, सेफलर की है या वोन हेलर की है? बताया फ्रेंड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड यह किस मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण परिभाषा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जर्थिल्ड जी हैं, गेट्स हैं, सेफलर हैं या वोन हेलर है? बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने अपने आंसर कमेंट करिएगा, यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर कमेंट करें, बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो डिप्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड, वो अक्सर जो है भ्रम पैदा करते हैं, अक्सर थोड़ा सा उसमें जो है दिमाग कम काम करता है, क्योंकि इतनी सारी डिफिनेशन है और इतने सारे मनोवैज्ञानिक है, तो अक्सर थोड़ा सा यह इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा टफ पड़ते हैं। इसके लिए आपको एकमात्र विकल्प है कि रिवीजन करना, जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों का आप रिवीजन करते हैं उतने अच्छे से इस प्रकार के प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। विकल्प नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है, सेफर इज द राइट आंसर, सेफर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति के आय के साथ साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है? शैक्षिक बुद्धि, स्थानगत बुद्धि, वाचिक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि? या फ्रेंड करें, किस प्रकार की जो बुद्धि है वह आय के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की अभिवृद्धि, मतलब जैसे वृद्धि हो रही है वह बुद्धि का विकास नहीं रुक सकता है, वह बुद्धि भी बढ़ती रहती है। बताइए किस प्रकार की बुद्धि की बात कर रहे हैं, शैक्षिक बुद्धि की, स्थानगत बुद्धि की, वाचिक बुद्धि की या भावनात्मक बुद्धि की? तो देखिए भैया, सब प्रकार की बुद्धि तो बढ़ती रहती है, तो रुकती नहीं है, लेकिन एक प्रकार की बुद्धि बिल्कुल नहीं रुक सकती, जिसका नाम है भावात्मक। जी हाँ, भावात्मक बुद्धि को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। शैक्षिक बुद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है, स्थानगत बुद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है, वाचिक बुद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है, और जो बुद्धि रुक नहीं सकती है उसका नाम है भावात्मक बुद्धि। विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक 25 वर्ष का लड़का है जिसकी मानसिक आयु है 16 वर्ष। एक 25 वर्ष की आयु का लड़का है जिसकी मानसिक आयु है फ्रेंड 16 वर्ष, उसकी आईक्यू क्या होगी? ये थोड़ा सा, उसकी आईक्यू क्या होगी? कह रहे हैं फ्रेंड एम ए बराबर 16 वर्ष, ठीक है, और सी ए बराबर 25 वर्ष। तो बात करते हैं फार्मूला का, तो फार्मूला होता है आईक्यू इक्वल टू एम ए अपान सी ए इंटू 100। तो एम ए आपका दिया गया है 16 और सी ए दिया गया है 25, कट कर देते हैं 25 चौका 100, 16 चौका 64। मतलब मंद बुद्धि की श्रेणी में बालक है, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। किस प्रकार से आता है, कैसे इसको निकालते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके सामने बोर्ड पर पड़ी हुई हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और बुद्धि का यह फार्मूला संशोधित फार्मूला कहा जाता है, जिसको टर्मन ने सन 1916 में दिया था। इसके पहले यह फार्मूला केवल आई क्यू बराबर एम ए अपान सी ए था, जिसको स्टर तथा कोहल मार्ग में 1912-13 में दिया था। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपके बुद्धि सूत्र से कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धि इतिहास की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। थान राय के द्वारा सीखने के मुख्य नियम कितने हैं?
थान राय के द्वारा सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, यही तीन थान राय के प्रतिपादित सीखने के तीन महत्वपूर्ण नियम हैं। विकल्प नंबर सी बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम या संतोष का नियम, यह थान राय के महत्वपूर्ण तीन नियम है। जबकि पांच गौण नियम भी इन्होंने दिए थे, पांच गौण नियम भी थान राय के हैं, उसका भी नाम आप याद रखिएगा। विकल्प नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा, अनहोनी या उपयोग सभी। क्या फ्रेंड फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार स्ट्रगल क्या है, संघर्ष क्या है? भैया कष्टदायक दशा का विरोध यह भी संघर्ष है, विपरीत इच्छा यह भी संघर्ष है, अनहोनी यह भी संघर्ष है। इसका मतलब विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी द्राय का आंसर डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ उपयोग सभी है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े फ्रेंड। संप्रेषण करने की प्रक्रिया है यह परिभाषा किसने दी थी? हर्बर्ट ने, एडगर डेल ने, रॉबर्ट मेगर ने तथा बी एस ब्लूम ने। बताएं फ्रेंड, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया या परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन के लिए फटाफट अपने आंसर कमेंट करिए, बताइए किसने दिया है। जल्दी से बताएं फ्रेंड, आंसर को किसने, इसे परिभाषा किसने दिया है? डी 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 डी, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं भैया। डी नहीं है, बी एस ब्लूम नहीं फ्रेंड, बल्कि एडलर डेल हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी एस ब्लूम की यदि बात करें फ्रेंड, तो बी एस ब्लूम ने अधिगम के लिए एक सिद्धांत दिया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जिसको इन्होंने सन 1956 में प्रकाशित किया था, जिसके तीन पक्ष इन्होंने बता दिए। बालक के सीखने के तीन पक्ष होते हैं, क्रियात्मक, भावात्मक तथा संवेगात्मक, क्रियात्मक और आपका ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, यहाँ ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक तीन पक्ष इन्होंने एक व्यक्ति के सीखने के तीन महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा की थी, जिसको इन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सन 1956 में प्रकाशित किया था। विकल्प नंबर बी क्वेश्चन का सही जवाब है, बट ब्लूम के बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों तथा संप्रत्ययों का अवरोध करना है? अग्रिम संगठक, वैज्ञानिक पूछताछ, सूचना प्रक्रिया या सहयोगी अधिगम? पढ़ाए तो बताया फ्रेंड, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों तथा संप्रत्ययों का अवरोध समझना है, या किसका, किसके बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड? जल्दी से बताइए किसके बारे में ये सारी बातें की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्या फ्रेंड, अग्रिम संगठन में शैक्षिक प्रतिमान तथा केंद्र बिंदु में तथ्यों और संपत्तियों का अवबोध करना है? विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर फ्रेंड, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, आपके कमेंट टाइमली नहीं आ रहे हैं, बहुत रुक रुक कर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव नहीं है? उद्देश्य, संप्रेषण, संरचना, सामाजिक प्रणाली। बताए फ्रेंड, कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से आप सभी लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। उद्देश्य भैया अवयव है, आधारभूत अवयव है, संरचना भी है, सामाजिक प्रणाली भी है। जो नहीं है फ्रेंड, वह है संप्रेषण। संप्रेषण का शिक्षण उद्देश्य के, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत अवयव में नहीं गिना जाता है, इसीलिए विकल्प नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आगमन शिक्षण प्रणाली, हिल्डा टावा, प्रगतक संगठनात्मक प्रतिमान ब्रूनर, निष्पक्षी प्रत्यय प्रतिमान अफ्यूवेल, प्रच्छा प्रच्छण प्रतिमान डोनाल्ड ओलिवर। कौन सा युग्म सही है फ्रेंड?
जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएं कि कौन सा यहाँ पर विकल्प जो है सुमेलित सही है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है, जल्दी से सभी साथी विकल्प कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है? चलिए आप सभी के आंसर कमेंट करिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। क्या है इसका सही जवाब? आगमन शिक्षण प्रतिमान हिल्डा टाबा, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान हुरनर, निष्पत्ति प्रलय प्रतिमान अशुवेल, परीक्षा प्रतिक्षण प्रतिमान डोनाल्ड ओलिवर। चलिए 70 डी जी हाँ डी कमेंट आ रहा है। देखिए भैया इसका जो है फ्रेंड वाइज विकल्प नंबर ए आगमन शिक्षण प्रतिमान की हिल्डा टाबा जी नहीं है, बाकी सारे विकल्प वहाँ पर सही हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। निर्मितवादी उपागम परिणाम है, निर्मितवादी उपागम परिणाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का, या ए और बी दोनों का? बताएं फ्रेंड, निर्मितवादी उपागम किसका परिणाम है? इसमें संज्ञान की भी बात करते हैं तथा सामाजिक की भी बात करते हैं। इसमें हम निर्मितवादी उपागम के अंतर्गत संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की भी बात करते हैं और सामाजिक मनोविज्ञान की भी बात करते हैं। इसका मतलब आप समझ जाएंगे इसका विकल्प सही क्या होगा। जी हाँ, विकल्प नंबर डी इज राइट आंसर। ए और बी दोनों इसका बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों ने विकल्प नंबर डी को कमेंट किया है, उन सभी के जवाब 100% सही हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा तथा सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षा तथा सीखने से संबंधित है। परिभाषा किस स्किनर की है, क्रो एंड क्रो की है, गेट्स की है तथा सॉरेन की है? बता फ्रेंड, किसने एजुकेशन साइकोलॉजी रिलेटेड या डिफिनेशन दी है, पढ़ा कर बताइए। स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, गेट्स ने या सॉरेन ने? बता फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइए। जब बात एजुकेशन साइकोलॉजी की होती है तो सबसे प्रमुख जो परिभाषा फ्रेंड वह स्किनर की है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आते हैं फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी विकल्प नंबर, जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक को किसने लिखा है, कमेंट करके बताएं फ्रेंड। आप सभी लोग एक क्वेश्चन और आपसे, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा है, एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा है, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जबकि अधिगम शिक्षा द्वारा निर्देशित नियंत्रित होता है, अधिगमकर्ता को स्वयं करने तथा सत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। थोड़ा सा लगता है क्या, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जबकि अधिगम शिक्षक द्वारा नियंत्रित नियमित होता है, अधिगमकर्ता को स्वयं की सत्ता और नियंत्रण दिया गया है, शिक्षक तत्वों की व्याख्या करने के लिए केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करे, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग करें। बहुत बढ़िया फ्रेंड, एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक लिखा हुआ थॉन राइक ने लिखा है और थॉन राइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकल्प नंबर 20 के लिए आंसर कमेंट करिए, बी 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 बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड, अधिगमकर्ता को स्वयं सहायता तथा नियंत्रण दिया जाता है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया है। क्लास समाप्त हो चुकी है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर कमेंट कर दिए, अपने अपने जो भी आपके मार्क्स हैं, जितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, अपने अपने स्कोर आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, बने रहिए ELNB दुर्गेश के साथ।